कुछ दिनों पहले स्थानीय ब्लू स्टार होटल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के दौरान 16 लोगों ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा था और अब मतगणना से ठीक एक दिन पहले करीब आधा दर्जन युवा भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए, जिसे इन लोगों ने घर वापसी का नाम दिया। दोबारा कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले पंकज यादव ने बताया कि उन्होंने कुछ दिनों पूर्व भाजपा की सदस्यता ली थी, लेकिन भाजपा में रहते हुए ही उन्नाव में उन पर 2 मुकदमे दर्ज कराए गए और साथ ही पुलिस द्वारा अभद्रता भी की गई। हम कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हमारे ऊपर 2 मुकदमे दर्ज कराए गए उन्नाव में, और हमारे साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा अभद्रता कराई गई। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है जो हमारा घर है, इसलिए हम वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में गुंडों को, स्मैकियों को, जितने भी व्यापार चले हैं उन सबको शरण दी गई है। इसलिए आज हम चुनाव के एक दिन पहले अपनी घर वापसी कर रहे हैं। आप ये कदम जो आपने एक चुनाव के एक दिन मतगणना के एक दिन पहले उठाया, जो काफ़ी दिन पहले उठा सकते थे। मैं तो 2 साल से संघर्ष कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मैं लगातार लड़ता रहा हूँ। अभी जब हमारे घर में सभी लोग इकट्ठे होकर कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो हम एक दिन पहले ही युवाओं को, किसानों को, सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कल सुबह आप जब मतदान करने जाएं तो कांग्रेस पार्टी को ही वोट दें। वही दतिया को साफ सुथरी राजनीति, साफ सुथरा व्यवहार रख सकता है, क्योंकि आज पूरे दतिया में गुंडाराज फैला हुआ है। पंकज यादव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में गुंडे बदमाशों को संरक्षण दिया जाता है और वे भाजपा की नीतियों का विरोध करते आए हैं। यही कारण रहा कि उन्होंने घर वापसी का फैसला लिया। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।